नमस्कार, मैं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज 9 लाइव टीवी। यूपी के जनपद शामली में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने मिला है, जहां बाइक पर सवार दंपत्ति की बाइक का संतुलन बिगड़ने से दंपत्ति हाईवे पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने घायल दंपत्ति को सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया है, जहाँ डॉक्टरों ने हालत को नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। पूरा मामला जनपद शामली के दिल्ली सहारनपुर हाईवे के भारसी मोड़ का बताया जा रहा है, जहां कैरेना निवासी जम्मल अपनी पत्नी के साथ बाइक पर सवार होकर बागपत जिले के गांव नीरपुरा से अपने घर कैरेना आ रहे थे। जैसे बाइक पर सवार दंपत्ति दिल्ली सहारनपुर हाईवे के भारसी मोड़ के निकट पहुंचे, तभी बाइक पर सवार दंपत्ति का संतुलन बिगड़ गया और बाइक सड़क पर जा गिरी। सड़क पर बाइक गिरने से दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने घायल दंपत्ति को कांदला कस्बे के सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। चार डॉक्टरों ने घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद दंपत्ति की हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल के रेफर कर दिया। डायल 112 पुलिस के अनुसार परिजनों को सूचना दे दी गई है। न्यूज 9 लाइव टीवी के लिए नासरली की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरमान अहमद है। अच्छा, अभी आप जो कुछ लोगों को घायल अवस्था में अस्पताल लाए हैं, क्या है मामला? मामला ये, हम खड़े थे सर पेट्रोल पंप पे जी, तो हमें रागिन ने सूचना दी कि जैसे कांदला पुलिस कांदला के पास एक एक्सीडेंट हो गया जी, तो हम तुरंत पहुंचे और वहां देखा कि एक बुजुर्ग था, एक महिला थी, तो ये बाइक चला रहे थे, खुद ही फिसल गई इनकी बाइक। अच्छा, तो इनका थोड़ी चोट है, इन्हें फिर तुरंत जयवंत से बिठा कर गाड़ी में सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। गार्जियनों को इनकी सूचना दे दिया, गार्जियन आ रहे हैं। गार्जियनों को सूचना दे दी गई है? हाँ, गार्जियनों को सूचना दे दिया। निरपड़े के रहने वाले हैं। निरपड़े के रहने वाले, लगभग कितनी उम्र होगी इनकी? उम्र जो है बड़े में की तो होगी 50-55 के आसपास, और महिला जो है इसकी भी 45 के आसपास होगी। तो ये नहीं पता चला कहाँ जा रहे थे? ये नहीं अभी कन्फर्म हो पाया, गार्जियनों से ही बात होगी इनके परिवार से।